लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की आज नैब में तलबी। नैब हुकाम की लीगी पार्लियामेंट लीडर को 11 बजे रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ से कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में बेजाब्तगियों के मामले पर पूछगछ की जाएगी। कमजोर तबका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मुतासरा बहन भाइयों की मदद हमारी इखलाकी, कौमी और मजहबी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट से गुफ्तगू। चेयरमैन अथॉरिटी ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 9 लाख रुपए का चेक वजीर आला के हवाले किया। और तहरीक इंसाफ में कोई भी इमरान खान का मुतबादल नहीं हो सकता। पीटीआई हुकूमत में इमरान खान ही वजीर आजम होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की एमएनए सदाकत अब्बासी से गुफ्तगू। कहा हुकूमत मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम कर रही है। लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की आज नैब में तलबी। नैब हुकाम की लीगी पार्लियामेंट लीडर को 11 बजे रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ से कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में बेजाब्तगियों के मामले पर पूछगछ की जाएगी। कमजोर तबका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मुतासरा बहन भाइयों की मदद हमारी इखलाकी, कौमी और मजहबी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट से गुफ्तगू। चेयरमैन अथॉरिटी ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 9 लाख रुपए का चेक वजीर आला के हवाले किया। और तहरीक इंसाफ में कोई भी इमरान खान का मुतबादल नहीं हो सकता। पीटीआई हुकूमत में इमरान खान ही वजीर आजम होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की एमएनए सदाकत अब्बासी से गुफ्तगू। कहा हुकूमत मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम कर रही है।